तो जो स्वागत है आज का तकनीक संबंधी समाचार में, यानी कि वेलकम टू टेकनीज इनशॉर्ट। और आज के न्यूज के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहली खबर की बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के बारे में कुछ लीक्स एंड रूमर्स आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो फ्रंट कैमरा होगा उसमें आपको 40 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और बैक साइड में आपको 108 MP का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल का जो एयरपोर्ट आते हैं उनका नेक्स्ट जनरेशन सक्सेसर जो है वो यानी कि थर्ड जनरेशन वाला एयरपोर्ट्स एंड सेकंड जनरेशन वाला एयरपोर्ट्स प्रो, ये आपको 2021 में देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं वीवो के बारे में। तो वीवो का फंड टच ओएस आपको पता होगा, उसका जो वीवो का जितने फोन आते हैं उसमें आपको फंड टच ओएस अभी के लिए रिसेंटली 10 चल रहा है तो वो आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में ये फंड टच ओएस आपको देखने को नहीं मिलेगा और एक नया ओएस देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि ये जो कस्टम यूआई वाला ओएस होगा ये लगभग स्टॉक एंडर्ड के आसपास आपको देखने को मिल सकता है और बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। इसका नाम है ओरिजिन ओएस और अगर हम देखेंगे तो इसका ओरिजिनल नाम जो है वो है ओरिजिनल ओएस, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ओरिजिन ओएस। अगली खबर की बात करते हैं स्वामी के बारे में। तो स्वामी का एक नया वॉच आने वाला है और जो कि मुकुल शर्मा स्टॉप लिस्टिंग है उन्होंने ये फोटो दिया था, आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम होगा मी वॉच लाइट और ये स्क्वायर वाला डिजाइन में आएगा। अब इंडिया में जो मिल रहा है वो हर गोल्ड डिजाइन के डायलर के साथ आता है, देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका जो डिजाइन होगा ये स्क्वायर वाला आपको देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं वो भी Xiaomi के बारे में। तो Xiaomi का Redmi K30S चाइना के अंदर लॉन्च हो गया है और ये सेम फोन है जो कि इंडिया में Mi 10T नाम से मिलता है, वही सेम रिमाइंडेड है लेकिन इंडिया में Mi 10T है और चाइना के अंदर Redmi K30S नाम से ये जाना जाएगा। सेम आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 28,000 के आसपास इसका प्राइस रखा गया है, लेकिन कुछ सेल के दौरान ये लगभग 22 के आसपास वहाँ पर मिलने वाला है। अगली खबर की बात करते हैं यूपी के बारे में, या फिर यूपी बोल सकते हैं, EUFY है और ये एंकर का ही एक सब ब्रांड है। तो इसने एक कर्लेस वाला होम वैक्यूम क्लीनर लॉन्च कर दिया है। प्राइस की बात करें तो 4,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। कहाँ पर मिलेगा तो फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेगा और फोटो आप देख सकते हैं किस तरह है, एकदम छोटा सा है और ये क्या कर सकता है, ये लैपटॉप वगैरह या फिर आपका कीबोर्ड वगैरह उसमें जो धूल जम जाता है उसको वो आप आसानी से साफ कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं फेसबुक के बारे में और जो क्लाउड गेमिंग है उसमें फेसबुक भी एंट्री कर दिया है और एंड्रॉयड और वेब के लिए फेसबुक ने अभी के लिए इंट्रोड्यूस किया है जो कि क्लाउड बेस्ड गेमिंग आप फ्री में वहां पे फेसबुक का एंड्रॉयड एंड वेब में आप खेल सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं OnePlus के बारे में। तो OnePlus का OnePlus N10 यानी कि नॉर्ड N10 बोल सकते हैं, N10 5G एंड N100 ये दोनों लॉन्च हो गया है और जैसे कि बताया था लगभग सेम है, 690 वाला प्रोसेसर आपको N10 में देखने को मिलता है और 460 वाला प्रोसेसर आपको N100 में देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें और ये अभी के लिए इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स में हम टेक की बातें में बात करेंगे लेकिन यहाँ पे आपको प्राइस वगैरह बता देता हूँ। तो N10 की जो प्राइस रखा गया 30,000 के आसपास इसका अप्रॉक्स प्राइस रखा गया है और N100 की प्राइस की बात करें तो लगभग 15,000 के आसपास इसका प्राइस रखा गया है। दोनों में आपको पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाते हैं और LCD पैनल के साथ ये देखने को मिल जाते हैं। अब आखिर में बात करते हैं Realme के बारे में। तो Realme का C17 आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, कब तो नवंबर के महीने में ये आपको देखने को मिल जाएगा और ऐसा बताया कि जो X7 सीरीज लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर उसी के साथ साथ ही ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और तो ये था दोस्तों आज का स्वीट एंड शॉर्ट टेक न्यूज़ इनशॉर्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक ब्रांड यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।